गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 12 एंड वी आर डूइंग द चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पायलट. ओके, वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 4 एंड द स्टेटमेंट इज द रेशियो ऑफ पीएनएल रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 5:4:3 एंड सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड सी शेयर टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2. We have to calculate the new profit sharing ratio of A and B. Okay? But if A, B, C की P&L ratio given है और C retired हुआ है, तो C के share को A और B 3:2 में आपस में divide कर देंगे. Okay? अब देखिए, A took the share of C. या A received the share of C. Okay? C share is 3/12 multiplied by बेटा C के शेयर को हम 3:2 में लेते हैं, मींस रिसीव करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3/5. ओके, 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 3/5 मल्टीप्लाई कीजिए 3 3 9 12 5 16. ये डिडक्ट नहीं हो रहा है. देन A न्यू शेयर. अब A का न्यू शेयर क्या रहेगा? ओल्ड शेयर 5/12 प्लस उसे जितना C से मिला 9/16. तो आप कट करके छोटा भी कर सकते हो, 3 3 9 3 20, 3/20 आप ले सकते हो इसको, 3/20. ओके, एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 60 एलसीएम आ जाएगा. 12 5 16 5 5 25 प्लस 6 26 30 23 60, 3 3 9 यानी 34/16 ही एक अनुशी. अब बी हैज गेंड, बी कितना लेता है सी से? 3/12 का इंटू मल्टीप्लाई बाय 2/5 2 बन जाए 2 2 6 12 3 2 6 यानी 1/10 लेता है. अब बी का शेयर, न्यू शेयर क्या हो जाएगा? बी न्यू शेयर इज इक्वल टू बी ओल्ड शेयर 4/12 प्लस 1/10 जो है वो उसे किससे मिला है? C से मिला है. तो ऐड कर देंगे एलसीएम बाय 60, 12 5 5 4 20 प्लस 6 यानी 26/60. देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल, अब ए न्यू शेयर ये है और बी का ये है, 34/60 26/60. डिनोमिनेटर सेम है यानी 34:26 कट जाएगा, 17:30. तो 17:30 जो है वो आंसर रहेगा हमारा, और इस तरीके से न्यू रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ए बी सी रेशियो इज 1/4 2/5 एंड 7/20. ए रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1:2. इट इज द सेम क्वेश्चन इज लाइक क्वेश्चन नंबर 4. देन क्वेश्चन नंबर 5